हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हार्मनी वन क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि अभी बहुत अच्छे डिप के ऊपर आपको मिल रही है। क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या फ्यूचर में कितने परसेंट इसके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं, कि ये कितना नीचे जा सकता है, क्या ब्रेकआउट पॉइंट्स होंगे, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने टारगेट जो है वो सेट कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करें, तो मॉर्निंग में मैंने अपडेट दी थी कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे अगर जा सकता है तो इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी कि जैसे ही ये अपने इस ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली टच करेगा, जैसे उस टाइम पे अभी उसने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया था, लेकिन रिसेंटली अभी बिटकॉइन जो है वो एग्जैक्ट मेरी बताई हुई ट्रेंड लाइन के पास वो पहुंच चुका है। अभी अगर हम करंट चार्ट को देखें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट वहीं उसी ट्रेंड लाइन पे बिटकॉइन ने यहाँ पे हमें जो है वो यहाँ पे एग्जैक्ट पहुँच चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट दिया था। अगर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आप जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ये सारे चार्ट मिल जाएंगे। जैसे कि 20th of Jan को मैंने चार्ट शेयर किया था बिटकॉइन का, यहाँ पे बिटकॉइन का ब्रेकआउट हुआ था। तो मैंने उस टाइम पे भी ये बताया था कि एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था, ऐसे इसका भी ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। सो आपको केयरफुली यहाँ पे रहना है, जब तक ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस ना कर दे, जब तक ये अपने 44,000 के ऊपर ना आ जाए, तब तक आपको यहाँ पे एंट्री जो है वो नहीं लेनी है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अपडेट दी थी, BTC ब्रेक द ट्रेंड लाइन, इट कैन बी फेक ब्रेकआउट, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है W के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर W तब बनेगा अगर ये 44,000 को क्रॉस कर जाएगा। सो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि अभी क्या सिनेरियो है बिटकॉइन का, एग्जैक्ट देखेंगे तो अभी उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले ली है। सो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया हुआ है, तब तक यहाँ पे ये एक सेफ जोन के अंदर है। क्योंकि जब से प्राइस स्टार्ट हुआ है 17th of December की अगर बात करें, 17th of December से जब भी ये ऊपर आया है तो एग्जैक्ट इसी लाइन से सपोर्ट ली है इसने। इसी लाइन से सपोर्ट लेने के बाद अब ये दोबारा सेम उसी लाइन से सपोर्ट ले चुका है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या नज़र में आ रही है, अगर पैटर्न को ध्यान से समझोगे तो आपको यहाँ पे पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई नज़र आएगी। इसको मैं वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ से आप इसको थोड़ा बेटर वे में समझ सकते हैं। सो काफ़ी सारी ट्रेंड लाइन्स हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर एक असेंडिंग डबल टॉप पैटर्न जो है वो हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। सो ये असेंडिंग डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे 50% चांसेस, मोर देन 50% चांसेस ये हो सकते हैं कि ये आपकी लास्ट डिप है। अगर ये लास्ट डिप है तो मतलब ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। जो भी आपको इस टाइम पे बाइंग करनी है, अगर आपके पास अभी भी 10,000 रुपये अगर आपने स्पेंड करने हैं, तो आप 50% अमाउंट जो है अभी इस डिप में लगा दीजिए और 50% अमाउंट जो है वो आप होल्ड करिए। इन केस अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28,600 तक। लेकिन उसके बीच में और भी लेवल्स हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं उनको भी यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले लेवल की अगर बात करेंगे, 36,500 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो 36,500, अगर फिर ब्रेक होगा तो 34,600, देन उसके बाद 32,700, 31,100 और लास्ट लेवल है वर्स्ट केस लेके चलेंगे तो 28,600। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये डबल टॉप कुछ इस तरह से बनेगी। अदरवाइज यहाँ से इनकेस नीचे नहीं आता, ब्रेक नहीं करता, देन ये हमारी लास्ट डिप होगी और यहाँ से जो डबल टॉप पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ट्रिपल टॉप बनने की, और अगर ये ट्रिपल टॉप बनता है तो बिटकॉइन यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मोर देन 60K से ऊपर जाएगा, वो 100K तक भी जा सकता है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपको डिप बाय करनी है, एटलीस्ट 50% अमाउंट से आप अपनी डिप जो है वो बाय कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम हमारे पास ये W पैटर्न बना था, सो W पैटर्न वीकली चार्ट के ऊपर बना था। अब यहाँ पे भी सेम, इनकेस हमारे पास यहाँ पे भी W बनता है तो हमारे पास असेंडिंग W बनने के चांसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पे भी इनकेस अगर W बनेगा तो कुछ इस हिसाब से W बनने के पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये बिटकॉइन की पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे इसी के बेसिस के ऊपर एनालिसिस करेंगे हार्मनी वन क्रिप्टो करेंसी को। सो हार्मनी वन क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें, यहाँ पे मैं वीकली चार्ट की बात करूँगा, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का मतलब जैसे कि 28th of December को यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ना शुरू हुआ, और उसके बाद जब बिटकॉइन यहाँ पे 19th of July की अगर बात करेंगे, तो बिटकॉइन यहाँ पे डाउन हो गया था। एकदम हाई आने के बाद यहाँ से हार्मनी वन कितने परसेंट डाउन आया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे फ्यूचर का बताऊंगा। सो यहाँ पे 75% प्राइस इसका जो था वो डाउन आ गया था। तो 75% प्राइस इसका डाउन आने के बाद अगर हम बिटकॉइन की बात करें, सो बिटकॉइन अपने
ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट नीचे की तरफ आया था उसको चेक करेंगे। सो बिटकॉइन जो था वो 55% डाउन आया था, और अगर हम हार्मनी वन क्रिप्टो करेंसी की बात करें, हम 12th of April से चेक करेंगे, सो दिस इज़ अ मार्च एंड दिस इज़ अप्रैल। सो 12th of April की अगर हम बात करें, हम वहाँ से देखेंगे कि हार्मनी वन कितना नीचे आया था, सो ये भी सेम 60% के अराउंड यहाँ पे प्राइस नीचे आया था, तो सेम लेवल जो बिटकॉइन का लेवल था। लेकिन आज बिटकॉइन वहाँ से लो पे आने के बाद वापस हाई पे, उसी प्राइस के ऊपर वापस पहुँचने के बाद फिर से उतना नीचे वापस आ चुका है। लेकिन अगर हार्मनी वन की बात करेंगे तो यहाँ पे उस लो लेवल तक जहाँ पे वो पहले आया था, उस लो लेवल तक यहाँ से ये नहीं पहुंचा है। तो अभी तक अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली बिटकॉइन अगर नीचे भी आ रहा है, ये अपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। सो मतलब यहाँ से जो इसकी डिप थी उसके बाद ये आपको रिटर्न दे चुका है, 600% की रिटर्न दे चुका है। वही अगर हम बात करेंगे बिटकॉइन की कि अपने लो पे आने के बाद जब वो वापस अपने हाई तक गया है, वहाँ पे हमें जो रिटर्न मिली है वो सिर्फ 139-140% की रिटर्न मिली है। सो जहाँ पे डिप में आने के बाद बिटकॉइन हमें 140% की रिटर्न दी है, वही हार्मनी वन ने हमें 600% की रिटर्न दी है। सो मतलब ये इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज में आपको इन्वेस्ट करना है जो कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव करती हैं और जिनका प्रोजेक्ट लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो जहाँ पे आपका पैसा 7x हो गया, बिटकॉइन ने आपका पैसा सिर्फ 2x किया। अब यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ से हमें क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लग रही है कि किस हिसाब तक जा सकता है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो ट्रेंड लाइन शो करी हैं, एक ये वाली ट्रेंड लाइन को नोट करना है आपको, एक ये वाली ट्रेंड लाइन को नोट करना है। सो ये ट्रेंड लाइन में ये मूव कर रहा है। सो सबसे पहले यहाँ से टच करने के बाद नीचे इस ट्रेंड लाइन के पास, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के पास वापस आया, लेकिन यहाँ से ब्रेक कर गया। और लेकिन उसके बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ से वापस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ से सपोर्ट ली और अपनी इसी हायर एंड ट्रेंड लाइन को टच किया, तो दोनों हो गए। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से उसने अपने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर से एक बार और सपोर्ट ली, फिर प्राइस ऊपर गया, अब फिर से एक बार और सपोर्ट ले रहा है। अब यहां से ये देखेंगे कि प्राइस कितनी पॉसिबिलिटी है कि यहां से ये वापस अपनी ट्रेंड लाइन के पास जाएगा या वापस ये अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, तो दोनों में देखेंगे लॉस कितना है और प्रॉफिट कितना है। सो यहाँ से पहले ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं ऊपर की तरफ। सो यहाँ से अपनी डिप के बाद अगर ये बढ़ता है तो वापस आपको 700% की रिटर्न मिल सकती है, 700% इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। और अगर हम नीचे देखें तो पोर्टफोलियो अगर डाउन होता है तो 60% पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है। सो यहाँ पे देखिए रिस्क कितना है, रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो 60% मैक्सिमम चांसेस हैं, मैक्स टू मैक्स चांसेस कितने हैं 60% डाउन जाने के, जो कि नहीं जाएगा, अगर गया भी तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर ये आपकी लास्ट डिप हुई तो इसके ऊपर जाने के कितने चांसेस हैं, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि जो 700% आपकी जो पैसा है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ये राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट होता है वो बियरिश होता है, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ से और नीचे जाएगा। लेकिन अगर बिटकॉइन 28,600 तक चला गया तो आप ये मान के चलिए कि इसकी पॉसिबिलिटी इस ट्रेंड लाइन तक आने की है, तो यहाँ पे ये अपने इस ट्रेंड लाइन तक मूव कर सकता है। सो इन केस अगर ये मान के चलेंगे कि बिटकॉइन 28,600 तक इन केस अगर जाता है तो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस ट्रेंड लाइन से भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो किन किन चैनल्स में मूव करेगा। और एक चैनल हमें यहाँ पे दिख जाएगा, और इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे ताकि दो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट और एक ये वाली ट्रेंड लाइन, और इसको अगर हम यहाँ तक ले जाएं ये मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रखें ताकि हमारे मैक्स टू मैक्स पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई हो सके। ये देखिए, सो अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से रखेंगे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ पे टेस्ट किया, फिर से इस यहाँ से रिजेक्शन, आपको रफली जो टारगेट है वो आपका पता चल जाएगा। मीन्स यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये आखिरी डिप होती है तो यहाँ तक ही ऊपर भी जाता है तब भी 160% की रिटर्न आपको मिल सकती है। सो मतलब पैसा आपका
डेढ़ गुना बढ़ जाएगा, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हार्मनी की। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एटलीस्ट आप इसको अपने पोर्टफोलियो का 5% या 10% जो है वो यहाँ पे इसको दे सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के लास्ट डिप से भी ये काफ़ी गुना बड़ा है। ये नीचे नहीं आया, इस लेवल तक नहीं आया जिस लेवल तक ये नीचे पहुंचा था, वहाँ पे लेवल नहीं आया। सो अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से इनकेस अगर ये और डाउन आता है तो आप बिड लगा सकते हैं 0.22400 के ऊपर। सो 0.22400 के ऊपर, या हम इस वाली ट्रेंड लाइन का लोएस्ट देखें 0.22731, तो इसके नियर बाय आपको जहाँ पे भी मिले आप इसको जो है वो उठा सकते हैं। ये आपको काफ़ी प्रॉफिट जो है वो आने वाले टाइम में निकाल के दे सकता है। और अगर ये बिटकॉइन डाउन जाता है 28,600 की तरफ बढ़ता है, तो पहली सपोर्ट का लेवल जो है आपको जो बाय करना है वो 0.16300 के ऊपर, उसके बाद 0.13500 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बाय करना है तो आप 0.09 के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री जो है वो वापस ले सकते हैं, या आप यहाँ पे इन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। सो 0.1 के बाद आपको 1.0 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं। 1.0 के बाद ये भी एक सपोर्ट है जो कि 0.72 की सपोर्ट है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे 0.5400 की सपोर्ट है। तो ये सारे लेवल्स होंगे इन केस अगर ये डाउन आता है। तो यहाँ पे एक लेवल मैं और ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे इस लेवल तक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेवल है ये आपका 0.96 के अराउंड यहाँ पे रखेंगे, और इसको 0.095 सेट कर देंगे तो ये हमारी सपोर्ट बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दो तीन बार यहाँ पे टेस्ट किया, राइट, और यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम करी और ये वाली कैंडल्स एज अ सपोर्ट का काम किया, तो ये हमारी एग्जैक्ट जो है वो हमारी सपोर्ट ड्रॉ हो जाएगी वीकली चार्ट के ऊपर। अब सेम चीज़ डे चार्ट के ऊपर चलते हैं जहाँ से हमें पिक्चर और क्लियर मिल जाएगी। सो डे चार्ट के ऊपर भी जैसे कि एक बार और अगर आप इस कैंडल को देखो, यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी थी, लेकिन ब्रेक करने के बाद ये सीधा सपोर्ट लेके साथ ही रिकवर कर गया, बहुत जल्दी रिकवरी करी थी। आप कैंडल को अगर डे कैंडल को यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, प्राइस नीचे आया था लेकिन साथ ही रिकवर कर गया उसी दिन अपने लो से। ये कितने परसेंट रिकवर कर गया एक ही दिन में, 50% की रिटर्न दी थी। इन केस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जब यहाँ पे एकदम से डिप आएगी तो यहाँ से भी सेम सिचुएशन हो सकती है कि एकदम नीचे आए और नीचे आने के बाद साथ ही कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए। तो आप ये मान के चलिए इतना परसेंट प्रॉफिट जो है हम निकाल सकते हैं, मतलब 35-36% प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। सो ये फ़ायदा होता है जब भी डिप आती है, देन आपको इस तरह के प्रॉफिट जो है वो बहुत जल्दी क्विक मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको पैसा हमेशा थोड़ा सा एटलीस्ट बचा के रखना पड़ेगा। तो अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप सेफली डिप को बाय कर पाएंगे, अदरवाइज़ अगर आपके पास डिप के लिए पैसे नहीं हैं देन उसमें आप काफ़ी लॉस में हो सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी मिल रहा है, अगर आपने डिप में बाय किया है, अगर आपको 200-300 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, जितनी भी आपने अमाउंट लगाई है, एटलीस्ट उसमें का 30% या 20% निकाल दो। कुछ अमाउंट आपके पास हमेशा बची होनी चाहिए ताकि उस अमाउंट को आप डिप में बाय कर सको, राइट। सो अब अगर बात करेंगे बाकी इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स हमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों ही यहाँ से ब्रेक हो चुकी हैं, जो कि एज अ सपोर्ट का काम कर रही थी। 50 डेज रेड कलर में है, ऑरेंज कलर 100 डेज मूविंग एवरेज है, और जो ब्लैक कलर में है वो 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे ये अगर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो मैक्सिमम चांसेस कहाँ तक हैं इसके आने के, ये 200 डेज मूविंग एवरेज तक आ सकता है। तो जहाँ पे हमारी 200 डेज मूविंग एवरेज है विच इज़ अराउंड 0.19, तो 0.19 की हम यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं। इन केस अगर ये नीचे मूव करता है तो 0.19 तक ये आ सकता है। सो 0.19 के ऊपर हमारे पास सपोर्ट है, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो 200 डेज मूविंग एवरेज है और नीचे 0.19 की सपोर्ट है, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। 0.19 के बाद 0.16300 के ऊपर आप हार्मनी को एवरेज कर सकते हैं। ये अच्छा प्रोजेक्ट है और ये आपको क्विक प्रॉफिट जो है वो निकाल के देगा। एक बार ये अप ट्रेंड में आना शुरू कर दे तो ये स्ट्रांग अप ट्रेंड में जाता है और यहाँ से आपको जल्दी क्विक प्रॉफिट जो है वो निकाल के दे सकता है। सो इन केस अगर ये यहाँ पे डाउन आता है तो ये ब्रेक कर जाएगा, तो कुछ इस हिसाब से हमारे पास जो डबल बॉटम है वो बन सकती है। सो ये पॉसिबिलिटी है इन केस अगर बिटकॉइन 28,600 तक आता है तो इसकी जो डिप है वो यहाँ तक आ सकती है।
राइट। बाकी टाइम टू टाइम क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, क्या मूव्स बनते हैं, वो मैं साथ साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बोलिंगर बैंड की, सो बोलिंगर बैंड इंडिकेटर की बात करेंगे, ये भी अपने लोएस्ट के ऊपर है इस टाइम। जो भी आप यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी उठाओगे तो सारी की सारी इस टाइम अभी डिप के अंदर है। आप जो भी बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसके ट्रेंड को ज़रूर एनालाइज करो कि वो जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है या वो जो डिप मिल रही है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में मिल रही है। सो डाउन ट्रेंड वालों को प्रेफरेंस पहले मत दो, पहले प्रेफरेंस दो कि जो अप ट्रेंड वाली क्रिप्टोकरेंसीज हैं और जो वो डाउन आ चुकी हैं, जो अप ट्रेंड में चल रही हैं लेकिन आपको नीचे की तरफ मिल रही हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये सारी क्रिप्टोकरेंसीज भी बढ़ेंगी, राइट। सो आपको उस तरह की क्रिप्टोकरेंसीज को ढूंढना है और उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। एक बार चार्ट देखोगे, चार्ट देख के आपको समझ में चल जाएगा कि ये ऊपर बढ़ रहा है तो मतलब अप ट्रेंड में है, अगर नीचे की तरफ मूव करता जा रहा तो डाउन ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड वाली क्रिप्टोकरेंसीज को उठाओ, उसके अंदर इन्वेस्ट करो, जो जो डिप में उसको आप बाय कर लो। सिंपल सा लॉजिक है। अगर 10,000 रुपये भी लगाने हैं, हज़ार हज़ार रुपये आपको ऐसी 10 क्रिप्टोकरेंसी में लगाने हैं, आपका पोर्टफोलियो 100% है, एक से दो महीने के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा और कुछ आपका डबल भी हो जाएगा, कुछ आपका ट्रिपल भी कर देंगी, कुछ 6 times भी कर देंगी। एक के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे वो लॉटरी हो जाएगी, उसके प्रॉबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर आपने 10 की हैं, 10 में से प्रॉबेबिलिटी हाई हो जाएगी, राइट। सो अगर 100 क्रिप्टोकरेंसीज हैं तो प्रॉबेबिलिटी 10/100 हो जाएगी। वही अगर आपने एक बाय कर ली तो प्रोबेबिलिटी 1/100 हो जाएगी, राइट। सो इस तरह से आप पोर्टफोलियो को अगर आप मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर एक में सारा पैसा लगा दोगे वो लॉस वाला काम हो जाएगा। अब अगर इंडिकेटर की बात करें यहाँ पे RSI इंडिकेटर की, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी चेक करेंगे, स्ट्रेंथ लेवल क्या है। तो अगर हम स्ट्रेंथ लेवल की बात करें तो 39 के अराउंड है। सो 39 से नीचे कितना आ सकता है, ये 30 तक भी जा सकता है। ओवरऑल देखें तो 30 से नीचे बहुत कम आया है। अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो उसके बाद 30 से नीचे नहीं आया है, राइट। 30 जो इसका लास्ट लेवल है, लेकिन अभी जिस लेवल के ऊपर है 39 के राउंड है, तो 39 से भी काफ़ी बार यहाँ से ऊपर की तरफ रिकवरी ली है। जैसे ये वाला लेवल था, ये 39 का ही लेवल था जहाँ से इसने ऊपर रिकवरी ली, उसके बाद नीचे एक बार आया था 30 के लेवल के ऊपर जो कि आया था दिसंबर में। अब फिर से ऊपर की तरफ मूव करने के बाद वापस उस लेवल के ऊपर पहुंच चुका और यहाँ से पॉसिबिलिटी है वापस ऊपर जाएगा। अगर एक और डिप मिलेगी तो ये आपको RSI 30 के राउंड देखने को मिलेगा। अगर आपको 30 के राउंड देखने को मिलता है देन आप फिर से इसके ऊपर दोबारा एंट्री ले सकते हैं, राइट। सो ये अगर नीचे आएगा तो 30 तक आएगा, 30 से आप इसको दोबारा री एंट्र कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी क्विक रिकवर कर जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्मनी वन क्रिप्टोकरेंसीज प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी किसी क्वाइन या टोकन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ही और ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। थैंक यू।